इसराइल के लगातार हमलों से गाजा पहले से ही सुलग रहा है। अब फिलिस्तीन का बड़ा हिस्सा कहा जाने वाला वेस्ट बैंक का इलाका भी उबलने लगा है। इसराइल ने अब यहां कर दी है ड्रोन स्ट्राइक। हमला ऐसा कि एक ही वार में 6 लोग मारे गए। हमास के डिप्टी चीफ साले अल अरूरी की मौत के बाद से वेस्ट बैंक गुस्से की आग में झुलस रहा है। अरूरी का नाता वेस्ट बैंक से था। वेस्ट बैंक अरूरी को अपना हीरो मानता था। अरूरी के एक इशारे पर वेस्ट बैंक कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहता था। अब वेस्ट बैंक में इजरायल के अवैध सेटलर्स और फिलिस्तीनी लोगों के बीच झड़प तेज हो रही है। वेस्ट बैंक में इस वक्त बहुत हंगामा है। इजरायल नहीं चाहता कि गाजा के बाद वेस्ट बैंक में दूसरा फ्रंट खुले। एक और मोर्चे पर उसे गाजा से भी बड़ा युद्ध लड़ना पड़े। यही वजह है कि अब इसराइल ने वेस्ट बैंक के ऊपर अपनी ड्रोन फोर्स एक्टिव कर दी है और वेस्ट बैंक में इसराइल के लिए सबसे खतरनाक इलाके में एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। गाजा में हमास से युद्ध होने के बाद ये वेस्ट बैंक में अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। इसराइल ने वेस्ट बैंक पर एयर स्ट्राइक की। इस हवाई हमले में 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हमले के बाद वेस्ट बैंक में इसराइल से बदला लेने की मांग की जा रही है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इसराइल की सेना ने आम लोगों की एक सभा को टारगेट बनाया और ड्रोन से मिसाइल फायर कर दी। वेस्ट बैंक के लोगों को लगने लगा है कि इसराइल से डील करना है तो हमास की तरह लड़ना है। वेस्ट बैंक इस वक्त जश्न के बीच ऐसे बारूद के ढेर पर बैठ चुका है जिसका ट्रिगर कब दबेगा ये इसराइल भी नहीं जानता। सवाल है कि क्या वेस्ट बैंक के लोग भी हमास के रास्ते पर चल पड़ेंगे? क्या इसराइल पर टूटेगा वेस्ट बैंक का तूफान? गाजा के बाद वेस्ट बैंक युद्ध का दूसरा एपिसेंटर बनने जा रहा है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन का वो हिस्सा है जो गाजा से करीब 20 गुना बड़ा है और यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते हैं जो फिलिस्तीनी है। यहीं से इसराइल को 7 अक्टूबर जैसे हमले का खतरा सता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेस्ट बैंक के फतह मूवमेंट के नेता समीर अल मशरावी ने बहुत बड़ी बात कह दी है। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक फतह मूवमेंट के नेता समीर अल मशरावी ने कहा है कि हमास ने जो किया वो फिलिस्तीन के लोगों के लिए फख्र की बात है और इसराइल से लड़ने के लिए फिर से छापामार युद्ध की शुरुआत जरूरी है। गाजा में इसराइल के गदर के बाद वेस्ट बैंक के लोगों में गुस्सा बहुत है। यहाँ लगातार इसराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। इसराइल वेस्ट बैंक के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। फिलिस्तीन की सरकार का कहना है कि 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक वेस्ट बैंक में हुए हमलों में 329 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 1200 से ज्यादा लोग घायल हैं और 240 लोगों को IDF ने बंधक बना लिया है। اطفال بموتوا مشايخ وين العالم وين مجتمع الدولة وين العرب يخافوا الله حبس حرام قاعدوا امان ليش يقصفوهم هذا عدو ظالم ما داش الله بس اتحركوا يا عرب حسبنا الله ونعم الوكيل. एक तरफ फिलिस्तीन है जो इसराइल में मासूमों के कत्ल का आरोप लगा रहा है तो दूसरी तरफ इसराइल की सरकार जिसे हमास के खात्मे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी सेना का यह ऑपरेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि फिलिस्तीन से हमास के लड़ाकों का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता। नेतन्याहू ने कहा कि करीब 3 महीने पहले हमास ने जो हमला किया है उसकी कीमत हमास को अभी और चुकानी होगी। इसराइल की सेना तब तक गाजा में युद्ध लड़ेगी जब तक वो हमास की कमर न तोड़ दे ताकि वो इसराइल के लिए कभी खतरा न रह जाए। 3 חודשים החמאס ביצע בנו טבח נורא. הממשלה בראשותי הנחתה את צה"ל לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס, להשיב את חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל.
ये नेतन्याहू की कसम है कि वो हमास के हर नेता को चुन चुन कर मारेंगे। अरूरी को खत्म करने के बाद इस वक्त सबसे ज्यादा डर इस्माइल हानिया को लग रहा है। हिजबुल्ला भी घबराया हुआ है कि अगला अटैक उसके चीफ हसन नसरल्ला पर ना हो जाए, क्योंकि अरूरी का जिस ड्रोन स्ट्राइक में अंत हुआ उसे लेबनान की राजधानी बेरूत में ही अंजाम दिया गया। इसराइल ने हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के डिप्टी प्रमुख साले अल अरूरी को मार डाला, यानी हमास का नंबर टू खत्म हो गया। लेबनान के बेरूत में हुई ड्रोन स्ट्राइक में हमास के कई अधिकारी मारे गए और इसमें साले अल अरूरी सबसे बड़ा नाम है। والقامة الوطنية الكبيرة شهيد الشيخ صالح العاروري أبو محمد نؤكد أن اغتيال الاحتلال الصهيوني للأخ القائد الوطني الكبير المجاهد हमास बहुत अच्छी तरह जानता है कि इसराइल अपने दुश्मनों को पाताल में भी नहीं बख्शता। यही वजह है कि अब बैंक में अरूरी के समर्थन में उठने वाले हर सिर को नेतन्याहू की सेना कुचल देना चाहती है। यह तस्वीर देखिए जो वेस्ट बैंक के जेनिन शहर से ही आई है। यहां आईडीएफ ने एक घर में रेड डाली और तोड़फोड़ की। दरअसल वो यहां मुस्तफा नाम के एक लड़के की तलाश में आए थे। मुस्तफा के पिता का कहना है कि वो जब पहली बार इसराइली सेना ने यहां रेड डाली उससे पहले ही उनका बेटा यहां नहीं है। फिर भी इसराइल की सेना यहां बार बार आती है। इसराइल की सेना को शक है कि अरूरी की मौत के बाद वेस्ट बैंक में हुई हिंसा में कहीं ना कहीं मुस्तफा का हाथ है। هم يتخذوا كنت جوا في داخل البيت انتو؟ اول الصبح كنا في البيت بس احنا كنا يعني انت فتحت لهم الباب قال لي اطلع وسلاح وش اسمه بعدين حشرونا غاد وفاتوا على البيت يتخذوا عليه من هون ومن هون। साले अल अरूरी इसलिए बड़ा नाम था क्योंकि 7 अक्टूबर के हमले के बारे में जिन टॉप कमांडर्स को जानकारी थी उसमें अरूरी का भी नाम था। साले अल अरूरी की मौत इसलिए हमास को परेशान कर रही है क्योंकि अरूरी ने ही हमास के मिलिट्री विंग को तैयार किया था। अब अरूरी की मौत के बाद हमास क्या करेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही गाजा में घिरा हुआ है। गाजा में 22,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रोज सैकड़ों लोग इसराइल की बमबारी में मारे जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जब हानिया की बयानबाजी कतर से जारी है, तब साले अल अरूरी ने लेबनान में रहकर मोर्चा संभाला हुआ था। 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद जब इसराइल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन चलाने की तैयारी की थी, इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद 7 अक्टूबर का बदला हमास और उसके समर्थकों के एक एक लीडर को मौत देकर लेना चाहती है। मोसाद की आंखों में बदला है। मोसाद में ऐसा जिगरा है कि इसराइल के दुश्मन पानी नहीं मांगते। ये बात हमास भी जानता है कि 7 अक्टूबर के हमले ने उसके एनकाउंटर का स्टेज तैयार कर दिया है। उसने साले अल अरूरी को मार दिया है और अब उसके निशाने पर है हमास के नंबर वन लीडर इस्माइल हानिया। मोसाद का टारगेट नंबर दो है खालिद मेशाल, क्योंकि साले अल अरूरी की मौत हो चुकी है। ये तीनों नाम हमेशा इसराइल को खटकते रहे हैं और अब इनमें से एक को तो इसराइल ने हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। साथ ही गाजा में 3 महीने से बमबारी चल रही है, उसमें करीब 23,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। वैसे गाजा से जो लिंक मिले हैं उसके बाद मोसाद अचानक सुपर एक्टिव हो गया है। नेतन्याहू के ऑर्डर पर मुद्दा अब सिर्फ ऑपरेशन है और नेतन्याहू ने तो साफ साफ कह ही दिया है कि दुनिया का कोई भी कोना हो, चाहे वो गाजा हो या फिर कोई और जगह, हमास का अंत फाइनल है और ये होकर रहेगा। हालांकि ये अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता है, क्योंकि भले ही इसराइल ने हमास को नेस्तोनाबूद करने की कसम खा रखी हो, लेकिन सच यही है कि हमास से भी इसराइल को कड़ी टक्कर मिल रही है। दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने इसराइल की नाक में दम कर दिया है।